कक्षा 10 एक्सरसाइज 10.2 इसका हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। दी गई आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री है तो कोण PTQ बराबर है, कोण PTQ ये वाला कोण हमें निकालना है। तो बच्चों देखिए इसमें हमें दिया हुआ है कि PT और PQ ये दोनों हैं स्पर्श रेखाएं और हमने एक नियम पढ़ा है कि यदि स्पर्श रेखाओं को त्रिज्या के साथ जोड़ा जाए तो यह स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब कोण OQT ये होगा 90 डिग्री। इसी प्रकार से PT एक स्पर्श रेखा है तो यहां पर भी यह त्रिज्या के साथ बनाएगा 90 डिग्री का कोण। तो हम यहां लिखते हैं कोण P बराबर होगा 90 डिग्री और कोण Q बराबर होगा 90 डिग्री। दोनों के साथ ही रीजन क्या आएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 होती है या त्रिज्या पर लंब होती है। इसी प्रकार से यहां भी यही वाला रीजन आ जाएगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब आप देखिए यदि हम इसे देखें POQT ये कैसी आकृति है, ये एक चतुर्भुज है, ये चार भुजाओं वाला एक चतुर्भुज है और हमें पता है कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है या सिंपल चतुर्भुज है, उसके चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। इसका मतलब इस चतुर्भुज का भी सभी कोणों का जोड़ यानी कि कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T यह जो है ये 360 डिग्री के बराबर होगा। कोण P है 90 डिग्री तो P की जगह अब हम लिख देंगे 90 डिग्री, हमने यहाँ निकाला P है 90 डिग्री। कोण O हमें दिया हुआ है 110 डिग्री, कोण Q हमने निकाला है अभी 90 डिग्री और कोण T हमें नहीं पता, ये बराबर होगा 360 डिग्री। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, 90 और 110 हो गया 200 और 90 हो गया 290 डिग्री प्लस कोण टी, टी का यदि हम पूरा नाम लिख दे तो वह है कोण पी टी क्यू, ये बराबर होगा 360 डिग्री के। यहां से कोण पी टी क्यू किसके बराबर आ जाएगा 360 डिग्री, 290 डिग्री यहां इसके साथ प्लस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यदि 360 में से 290 निकाले तो कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। और क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 70, तो ऑप्शन बी है 70 डिग्री, इसका मतलब ऑप्शन बी 70 डिग्री इस प्रश्न का सही उत्तर है।